क्यों कहो मूल पड़ा नो भाई हम जीतते हैं बतेरा हो गया इबुस का पेंडा छोड़ दो समझे तुम जो है अपनी बात को आगे बढ़ाओ सर। जिन जिन लोगों के हाथ में कागज है देखो पहले कुछ साथी हमने जब हम एमपी थे तब के जानते हैं जब क्या अर्थ भाई कोई कागज सड़क पे दे दे उससे मैं दस्तखत कर दिया करता मैं ठीक है फोन भी कर दिया करता ये थोड़ा सा तब ने सबर रखना मैंने कागज दोगे एक मिनट कागज दोगे मेरे लेटर हेड पर उस पर चिट्ठी पर जाएगा मंत्री की उस पर ना अब वो चीज नहीं रही है कि भले यार दस्तखत कर दिए लेकिन तुम्हारे कागज की पूरी कदर होगी वो चिट्ठी बन करके वो आपकी आगे जाएगा एक भी कागज को रखा नहीं जाएगा सुनते उसकी उचित कार्रवाई हो। दूसरा जिन जिन गांवों में मैं कल हुला हिट गए थे कल वहां गए थे वहां भी मैंने कहा था कि जिन जिन गांवों में चुनाव से पहले मेरे ख्याल में गोहाणा हल्के में गांवों के बता रहा हूं नगर परिषद के नहीं गांवों के लगभग 16-16.5 करोड़ रुपया इलेक्शन से पहले गांवों का आया हुआ है 62 गांव है 62 गांवों में 16.5 करोड़ रुपया को थोड़ा नहीं होता और वो कसर रह रही है तो और आ जाएगा शांति रखो सबके काम होंगे तो वो काम भी डेवलपमेंट के काम किसी के नहीं रुकेंगे थोड़ा सा शांति रखो कहीं मेरे को साथी मिले बीच में जी मेरे गांव का ये है फलाना है ये काम है बिल्कुल बेफिक्र हो मुझे वो कागज दे दो जो जो गांव के जो जो आपके जो काम है और हर गांव में मैं आऊंगा तसल्ली से जहां जितनी भी कितने 25 चाय हो ची 30 हो ची 50 हो जिस जिस गांव में जितनी चाय हो सब जगह चलेंगे बातचीत करेंगे हर जगह चलेंगे क्योंकि आपने मेहनत इतनी कर रखी है हर एक साथी ने और जिसने मेहनत मान लो जनता ने पाड़ा इसमें कोई शक नहीं क्योंकि मूल पाड़ा ने कहा भाई हम जीतते हैं बतेरा हो गया इबुस का पेंडा छोड़ दो समझे तुम जो है अपनी बात को आगे बढ़ाओ नहीं समझे बढ़िया तरीके से अपनी बात आगे बढ़ाओ और परमात्मा ने तुम्हारे को दिन दिए हैं सबने सबके आशीर्वाद से और इस बात को आगे बढ़ाओ। दूसरा जो नौजवान साथी हैं एक मिनट में जो नौजवान साथी हैं उनके लिए संदेश ये है अब जो 25,000 नौकरी लगी ना लगभग 25,000 नौकरियों में मेरे ख्याल में आपके भी खूब बट आए हैं कि नहीं आए हैं बोलो जोर से आए कि नहीं आए हाँ बोलो मतलब ये मरी मरी आवाज में बोल रहे हैं हाँ भाई प्रदीप तू बता कितने आए हैं कितनी 10 हाँ 9 तो 3 लाइब्रेरी वाले की लगी है हाँ सात मोहन मतलब सबका चलो अभी 2,00,000 नौकरी और आएंगी समझे पार्ट्स में और मतलब बिल्कुल कोई कसर नहीं रहेगी और मैं भी इसमें देख रहा हूँ कि भाई जो हमारा जो महकमा है उसमें कोऑपरेटिव वाले में उसमें भी कई स्कोप है नौजवानों के लिए नौकरी के नहीं वैसे काम के कई स्कोप है जिसमें आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके और भी मैं सारा उसमें दिखवा रहा हूँ कि किस तरह से ग्रुप बना करके आप लोगों को हम उसमें आगे बढ़ा सकते हैं जो अपने साथी उसमें ईमानदारी के साथ जो है किस तरह से आप लोग उसमें आगे बढ़ सकते हो तो बिल्कुल कोई भी साथी मैं एक बात और कहूंगा नौजवानों को कि इस नौकरियों में 25,000 में भी आप किसी से पूछ करके देखो एक भी बच्चे से लड़का या लड़की से पूछ करके देखो कि क्या कांग्रेस की सरकार होती तो उसको ये नौकरी मिलती 25,000 में से 25 से पूछ के देख लो क्यों कि ये सारे अपनी मेहनत से हैं सारी अपनी मेहनत और ईमानदारी से हैं समझ गए ना तो जो नौजवान इस बात को पकड़ गया कि भाई मैं थोड़ी सी मेहनत करूंगा तो मेरा काम बन जाएगा वो नौजवान कामयाब 100% होगा उसकी कोई कमी नहीं रहेगी।